दोस्तों, सांप एक रेंगने वाला जीव है। इसमें पाए जाने वाला जहर विश्व के किसी भी दूसरे जीव में पाए जाने वाले जहर से ज़्यादा खतरनाक होता है। दुनिया भर में सांपों की करीब 30,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वहीं भारत में सांपों की करीब 300 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सांपों की कुछ जानलेवा प्रजातियों के बारे में। दोस्तों, वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। टाइगर किलबेक का नाम दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में लिया जाता है। सांप की यह प्रजाति पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। टाइगर किलबेक जैतून हरे रंग का सांप है, जिसमें गर्दन से लेकर शरीर के पहले तिहाई भाग तक काले और चमकीले नारंगी रंग के धब्बे होते हैं। इसके पेट के हिस्से का रंग सफ़ेद होता है और इसकी लंबाई आमतौर पर 60 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। यह सांप अपने भोजन के रूप में छोटे कशेरुकी, विशेषकर मेंढक या टोट को खाता है। शिकार खोजने के लिए यह रासायनिक गंध का उपयोग करता है। जिन मेंढक और टोट को यह खाता है वो भी जहरीले होते हैं और उन्हीं के जहर से सांप अपना जहर बनाता है। इस घटना को क्लेप्टोटॉक्सिज्म कहा जाता है। जब यह सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो काटने की जगह से लगातार खून बहना, मसूड़ों और पेशाब में खून आना, खून का थक्का जमने में रुकावट आना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ब्लैक मांबा अत्यधिक विषैले सांपों की एक प्रजाति है, जो उपसहारा अफ्रीका के कुछ इलाकों में पाई जाती है। यह किंग कोबरा के बाद दूसरा सबसे लंबा विषैला सांप है, जिसकी लंबाई 2 मीटर से 3 मीटर तक हो सकती है। इसकी त्वचा का रंग गहरे भूरे से हल्के भूरे रंग के बीच होता है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, इनकी त्वचा का रंग काला होता जाता है। ब्लैक मांबा जमीन और पेड़ दोनों जगह पर पाया जाता है। यह प्रजाति सवाना, वुडलैंड, चट्टानी ढलानों और कुछ क्षेत्रों में घने जंगलों में पाई जाती है। ब्लैक मांबा दिन के समय विचरण करते हैं और यह छोटे स्तनधारियों और पक्षियों को अपना शिकार बनाते हैं। यह सांप काफी दूर तक हमला कर सकता है और एक के बाद एक कई बार काट सकता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके काटने के 10 मिनट के भीतर लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। ब्लैक मांबा मनुष्यों पर आमतौर पर हमला नहीं करता है। यह तभी हमला करता है जब उसे खतरा महसूस हो या उसे घेर लिया जाए। इसे IUCN की खतरे वाली प्रजातियों की रेड लिस्ट में सबसे कम चिंताजनक माना गया है। सो स्केल्ड वाइपर को सामान्य रूप से इचिस और कारपेट वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। यह सांप मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रीका और मध्य पूर्व के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली वाइपर की एक प्रजाति है। सांप की यह प्रजाति काफी विषैली होती है। दुनिया में सबसे अधिक सांप के काटने के मामलों और मौत के लिए जिम्मेदार इसी प्रजाति को माना जाता है। वाइपर सांप काफी गुस्सेल प्रकृति के होते हैं और भयंकर तरीके से हमला करते हैं। ये काफी आक्रामक होते हैं और आमतौर पर काटने के लिए ही हमला करते हैं। ये सांप रात के समय ज्यादा सक्रिय रहते हैं और ज्यादातर लोगों को अंधेरे में ही काटते हैं। इन सांपों में मादा सांप का विष ज्यादा जहरीला होता है, लेकिन काटते वक्त नर सांप ज्यादा जहर छोड़ता है। कोस्टल टाइपन यह अत्यधिक विषैले सांपों की एक प्रजाति है। सांपों की यह प्रजाति उत्तर और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों और न्यू गिनी द्वीप की मूल निवासी है। इस सांप की लंबाई 2 से 3 मीटर तक होती है। इसका रंग हल्का जैतून या लाल भूरा होता है। यह सांप मानसून जंगलों से लेकर खुले जंगलों तक कई तरह के आवासों में पाया जाता है। यह आमतौर पर छोटे स्तनधारियों का शिकार करता है और उन्हें खाता है, लेकिन कभी कभी जब इसे मौका मिलता है यह पक्षियों का शिकार भी कर लेता है। अधिकांश विश्व विज्ञान अध्ययनों के अनुसार भूमि पर पाए जाने वाला यह तीसरा सबसे अधिक विषैला सांप है। इसका विष मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसके काटने पर पेट दर्द, मितली और सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा मृत्यु की घटनाएं इसी सांप के काटने से होती है। इनलैंड टाइपन सबसे छोटे आकार का दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला सांप है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों ने इस सांप का नाम डंडार बिल्ला रखा था।
चूहे के ऊपर किए गए प्रयोग के आधार पर इनलैंड टाइपन का जहर किसी भी दूसरे सांप से सबसे अधिक जहरीला होता है। यह एक तेज और बेहद फुर्तीला सांप है और बेहद सटीकता से हमला करता है। इसका एक ही हमला काफी घातक होता है। वैसे यह सांप शांत स्वभाव का होता है और एकांत में रहना पसंद करता है, लेकिन जब इसे उकसाया जाए और खतरे का एहसास होने पर यह हमला करता है। यह सांप ज्यादातर जंगलों में रहता है और मनुष्य आबादी से दूर रहता है, इसलिए यह मानव के संपर्क में कम ही आते हैं, इसलिए इसे दुनिया का सबसे घातक सांप नहीं माना जाता है। किंग कोबरा, जिसे नागराज भी कहा जाता है, यह दुनिया का सबसे ज्यादा लंबाई का सबसे जहरीला सांप है। इसकी औसत लंबाई तकरीबन 5 से 6 मीटर तक होती है। सांपों की यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के कुछ भागों में ज्यादा देखने को मिलती है। एशिया के सांपों में यह सबसे अधिक खतरनाक होता है। भारत में लोग इसे भगवान शिव के गले में रहने वाला नाग समझते हैं, इसलिए इसे नागराज भी कहा जाता है और लोग इसे मारते नहीं हैं। किंग कोबरा अपने नाम के अनुसार राजा की तरह रहता है। यह अपने आहार में कई विषैले सांपों को खाता है, जिसमें धामिन, करेत, रेटल स्नेक जैसे सांप शामिल हैं। यह कई बार छोटे अजगर को भी खा जाता है। इसके अलावा यह छिपकलियों, पक्षी और छोटे स्तनधारियों को भी खाता है। किंग कोबरा का आम भोजन चूहा है, जिसकी खोज में अक्सर यह मानव बस्तियों में देखा जा सकता है। किंग कोबरा काफी जहरीला होता है। इसका जहर एक न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसके काटने पर गंभीर दर्द, धुंधलापन, उनिंदापन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके विष के प्रभाव से तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है। अगर तुरंत चिकित्सकीय सुविधा ना मिले तो मृत्यु तय है। यह एक विशेषज्ञ शिकारी है। इसका विष खास तौर पर गर्म खून वाले जानवरों को मारने के लिए विकसित किया गया है। यह सांप कितना जहरीला होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह अपने एक ही हमले में हाथी जैसे जानवर को भी मार डालता है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे सांपों की दुनिया के सबसे विषैले सांप। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।